Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया कि SC ST के आरक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि जो आरक्षण अभी अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर मिल रहा था उसे अब जातियों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जाटों को अलग कैटेगरी में और पासवान को अलग कैटेगरी में और अन्य जातियों को अलग कैटेगरी में भी आरक्षण दिया जा सकता है। और इस फैसले के बाद से बसपा खूब नाराज है। मायावती पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका गुस्सा साफ दिखता है। वो ये कहती हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है। वो ये भी कहती हैं कि अगर BJP और कांग्रेस में ये हिम्मत है और वो अगर हितैषी हैं दलितों के, तो उन्हें संसद में इस फैसले को पलट देना चाहिए और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र, और जबकि BJP को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए। पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी NDA की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची मिलाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, BJP हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। फिलहाल आरक्षण के मामले में मायावती ने गेंद BJP और कांग्रेस के पाले में डाल दी है। उनकी अपील यह है कि संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया जाए और आरक्षण को, यानी कि दलितों के आरक्षण को 9वीं सूची में डाल दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।